नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सैंडी में। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपना आधार कार्ड घर बैठे कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, uidi.gov.in पर जाना है और उसके बाद माई आधार पर जाके अपडेट डेमोग्राफिक डाटा ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। इससे पहले आप जो भी चीज़ अपडेट करना है आपको, उसके लिए डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए माई आधार पर जाना है और यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इस पे जाके आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपडेट करनी है या फिर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है या फिर एड्रेस अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है और वोटर आई डी है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसी जो भी डॉक्यूमेंट आपको, जो भी डिटेल अपडेट करनी है उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, SSLC बुक है। तो जो भी चीज़ आपको अपडेट करनी है उसका डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ना है आपको। तो आगे बढ़ना है, यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है। मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, जो भी कैप्चा शो हो रहा है आपको। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर रखा होगा आधार कार्ड में, उस पर आपको एक OTP प्राप्त होगा। यहाँ पे OTP मिल गया है, मैंने अपना OTP डाल दिया है। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपडेट डेमोग्राफिक डाटा, इस पर क्लिक करना है। ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा आपको जो भी चीज़ अपडेट करनी है। नाम अपडेट कर सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, शायद मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा इसमें, बाकी लैंग्वेज अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं और एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अपना नाम अपडेट करना है तो उसके लिए मैं नेम पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। इसके बाद ये जो भी आपको बताएगा कि आप नाम दो बार चेंज कर सकते हैं अपना पूरे लाइफ टाइम में, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार चेंज कर सकते हैं, जेंडर भी आप एक बार चेंज कर सकते हैं। तो इन सबको अगर पढ़ने के बाद आप यहाँ पे यस आई एम अवेयर फॉर दिस, इस पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपको नाम अपडेट करना है अपना, यहाँ पर करेक्ट नाम जो भी है भर देंगे आप यहाँ पे। जैसे मेरे को, मैं तो आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी मेरा सब कुछ डाटा ठीक है इसमें। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। इसके बाद आप अगर फ़ोन पे कर रहे हैं तो आपको नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, जिस पे भी कर रहे हैं तो इसके लिए उसके बाद आप टैप बटन दबाएंगे। यहाँ पर हिंदी में आपका नाम ठीक हो जाएगा, ये दिखा देगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो आपने देखा है नाम अपडेट करने के लिए, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसको स्कैन करके या फिर फ़ोटोग्राफ क्लियर खींच के अपलोड करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है आपको। जैसे जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, पैन कार्ड लगा रहे हैं, राशन कार्ड, PDF फ़ोटो कार्ड लगा रहे हैं, वोटर आई डी कार्ड लगा रहे हैं, तो उस पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है इसमें। तो पैन कार्ड सेलेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब अपने डेस्कटॉप में, जो भी लैपटॉप में, जहाँ पे भी आपने अपने डॉक्यूमेंट रखे हैं उसको सेलेक्ट करके आप ओपन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको शो करेगा डॉक्यूमेंट इस जगह पे, जहाँ ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर, आपका पैन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगा रखा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आप प्रीव्यू में क्लिक कर देंगे। ये एंटर वैलिड नेम इसीलिए बोल रहा है क्योंकि मेरा नाम ठीक है, तो मेरे को इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा।
जैसे मैं अपने पीछे का सरनेम हटा देता हूँ, ये कर दिया मैंने। इसके बाद प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है न्यू करेक्ट नेम जो भी है मेरा, चेक कर लेना आपको सही तरीके से। संदीप हिंदी में भी देखिए संदीप। डॉक्यूमेंट जो भी होगा आपका यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा दोबारा से डालना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके पास एक बार फिर से ओटीपी आएगा जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। इसके बाद आपको आई हेयर वाई कन्फर्म दैट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। इसकी पेमेंट आपको 50 रुपये आप किसी भी कार्ड से कर सकते हैं, कार्ड से कट जाएगा या फिर नेट बैंकिंग से, जिससे भी आपको करनी है पेमेंट हो जाएगी। अब मेरे को पेमेंट करना नहीं है, मैंने वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा दिया, ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपको इसमें एक रिसिप्ट आ जाएगी और कम से कम आपका एक हफ्ते में आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी डिटेल्स जो भी हैं आधार कार्ड में अपडेट हो चुकी हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।